हालेलुया, सब कुछ एमसीकी में प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा टॉपिक है कि रेंड का पेड़ का महत्व, मतलब रेंड के पेड़ का महत्व। दूसरा इसको भी कह सकते हैं कि परमेश्वर हम पर तरस खाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि रेंड का पेड़ का महत्व, मतलब कि रेंड के पेड़ का महत्व। ये काफी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको उसका बी पार्ट बताऊंगा। ए पार्ट हम कभी फिर कभी उसको उसकी एक अच्छी सी वीडियो में आपको बताकर समझाऊंगा, लेकिन आज हम उसका बी पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था कि इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ या देखने लगा कि नगर का क्या होगा। यहाँ पे क्या था कि परमेश्वर ने कहा था, मैं नीनवे देश को जला दूंगा, उसका नाश कर दूंगा, उसका सत्यानाश कर दूंगा। तो जब परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, तब इसका जो क्रोध था वो भड़क गया। कह रहा कि ऐसा कैसा, आप इनको नाश क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कह रहा वो, आपने इनको नाश क्यों नहीं किया है? हालेलुया। लेकिन वचन हमें क्या बताता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो दूर से देख रहा है कि अब ये जलेगा देश, अब जलेगा देश, अब देश जलेगा, अब देश जलेगा। लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, तो क्रोधित हो गया कि ऐसा कैसा आप नहीं करोगे। और दूर ही बैठ के एक उसने छपरा सा बनाया, उसकी छाया में बैठ गया और देखने लग गया कि नगर का क्या होगा। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक पेड़ खड़ा कर दिया वहां पे। पेड़ के बाद क्या हुआ, वो उसको छाया देने लग गया। इतनी अच्छी छाया आ रही है कि एक तो छपरा हो गया और एक पेड़ हो गया है, और वो उसकी छाया में अच्छे से सो रहा है। वो क्या कर रहा है, अच्छे से उसने रात को अपनी बिताया। लिखा हुआ है, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी उगी कि वह मूर्छित होने लगा। क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जब परमेश्वर ने हवा चला दी, लू, मतलब कि आपको पता, जब लू चलती है मुंह बलता है, पूरी बॉडी में आग जल जाती है, समझ लो ऐसा होता है, राजस्थान में ज्यादा होता है। लेकिन क्या हुआ, जब वो इतनी तेज लू चली वहां पर, इतना ही ज्यादा वहां पर चला, तो परेशान हो गया और वो क्या करने लग गया कि मुझे मौत ही आ जाए। लेकिन अभी वहां पर पहले तो अच्छी नहीं सो रहा है वो, वहां पर उसको उसने एक छपरा लगाकर एक उसकी छत बनाकर उसके नीचे रह रहा है वो, और ऊपर उसके एक छाया देने के लिए परमेश्वर ने एक पेड़ वहां पर लगा दिया। उस पेड़ लगाने दिया, उस पेड़ को बढ़ा भी दिया। लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं योना 3:6 में, योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। लिखा हुआ है, तब यहोवा ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हो गया। क्या कर रहा, बहुत ही आनंदित हो गया है। लेकिन सवेरे पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काट के वह सूख गया। परमेश्वर ने कीड़े को भेज दिया, उसने क्या किया, उस पेड़ को वो खा गया और वो पेड़ वो सूख गया। और जब सूख गया, फिर लू आने लगी उसको, पर बहुत सी ऐसी बातें आने लगी, बहुत सी उसको आग लगने लगी, वो परेशान हो गया। वो क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने मृत्यु मांगी, मेरे जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। बात यह आ गई, परमेश्वर से कह रहे हैं कि भाई, ना तो तूने इस पेड़ को पानी दिया, ना तूने गोड्डी की, ना तूने इसकी कटनी की, ना छटनी की, कुछ भी नहीं किया, फिर तेरे को किस बात की प्रॉब्लम है? वचन कह रहा है, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। तब योना ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया है। क्या कह रहे हैं कि एक तो रात का पेड़ हुआ और सुबह वो समाप्त हो गया, तू उस पे तरस खा रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते
और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर इन्होंने, परमेश्वर ने इन लोगों पर तरस खाया, और जो कह रहा था कि मैं इनको सुसमाचार देने के लिए आया था, लेकिन अब क्या हुआ, मैं इतने अपनी जान दांव पर रख कर रहा था, आप ऐसा करो इनके साथ। वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस पेड़ को मैंने लगाया था, ना तो तूने पानी दिया, कुछ भी नहीं दिया, उसने तुझे अच्छी छाया दी, तुझे इतना दुख हो रहा है, लेकिन ये तो तेरा था ही नहीं। लेकिन इन लोगों को, जो लोग हैं 120,000 से अधिक लोग हैं, तो इन पर मैं तरस क्यों ना खाऊं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने तरस क्यों खाया? यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की। यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन तक बीतने पर निनवे उल्ट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के सामने प्रतिति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। क्या हुआ, सबने टाट ओढ़ लिया। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। लिखा हुआ है, राजा ने प्रधानों से समिति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाई, वे न खाई और न पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इनके ऊपर तरस खाया है। क्या खाया? तो परमेश्वर ने इनके ऊपर तरस खाया है। परमेश्वर के लोगों, हमें इतना बनना है कि परमेश्वर हम पर तरस खा जाए। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप एक में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि उठकर उस निनवे को जा, क्योंकि उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं उस देश को नष्ट कर दूंगा, उस शहर को, उस नगर को मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। अगर आप भी पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आप पर भी तरस खाएंगे और आपको भी छोड़ देंगे। इतना नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 18 के 20 में, यहाँ पर सद्योम और अमोरा के बारे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी परमेश्वर ने तरस खाया, लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध इतने पाप किए, इतनी गलत कुछ किया, बहुत कुछ गलत किया, और परमेश्वर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया आग के द्वारा। सब कुछ, मतलब सब कुछ। हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उत्पत्ति 18 की 20 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, सेदेम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया। मतलब उनका पाप इतना बढ़ गया है। इतना मैं हमेशा तो ही आपको सिखाता हूँ कि पाप मत किया करो, और आपके पापों की सजा आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में, आपके घर पर रहती है। जो आप कहते हो ना, हम डिप्रेशन में, हम चिंताओं में, परेशानियों में, हमारा काम नहीं चलता जी, हम इतनी प्रॉब्लम, ये पाप की वजह ही से आती है, आपके ऊपर जो सब कुछ होता है ये। इसलिए पाप मत किया करें। हालेलुया। और पाप, आपको पता है क्या है, जो आप करते हो उसी की बात कर रहा हूं मैं। वचन कहता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया। तब वह पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? वो कह रहा है कि अगर इस देश में कुछ धर्मी लोग हुए तो प्रभु जी, क्या आप उनको भी नाश कर दोगे? जैसे कि, हालेलुया। तो वो कह रहा है कि प्रभु, अगर उस देश में कुछ, मतलब कि मान लो लाखों लोग रहते हैं, उसमें कुछ मसीह हुए, कुछ अच्छे लोग हुए, तो आप क्या करोगे? तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा, चल ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तेरे कहने पर अगर वहां पर कुछ धर्मी मिल गए तो मैं इस देश को छोड़ दूंगा। वचन क्या कहता है, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, या क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा?
इस प्रकार का काम करना तुझ से दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी का भी मार डाले। धर्मी और दुष्ट दोनों ही एक ही दशा हो, या तुझसे दूर रहे क्या सारे पृथ्वी का न्याय न करे। युवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। परमेश्वर कह रहे, चल ऐसा है, जब अब्राहम से बात चल रही थी, परमेश्वर कह रहे हैं अगर 50 भी मिल गए, उन 50 के कारण इस देश को मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि अगर 50 में से 5 घट जाए तो वो परमेश्वर कह रहे चल कोई बात नहीं। वो कह रहा 45 मिले तो भी, फिर आगे लिखा हुआ है अगर 40 मिले तो भी, फिर लिखा हुआ 30 मिले तो भी, फिर आगे लिखा हुआ 20 के कारण भी उसका नाश नहीं। परमेश्वर कह रहे 20 मिल जाए ना तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले, उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उनका नाश नहीं करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक भी इंसान जिसने पाप ना किया नहीं मिला। फिर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग ढेला, गंदा ढेला, सब कुछ जल गया, तहस नहस हो गया। हालेलुया। आज भी वहां पर कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर तरस खा रहे थे, 50 मिल जाए तो भी छोड़ दूंगा, 40 मिल जाए तो भी छोड़ दूंगा, 30 मिल जाए तो भी छोड़ दूंगा, 20 मिल जाए तो भी छोड़ दूंगा, 10 मिल जाए तो भी छोड़ दूंगा। परमेश्वर तरस खाते हैं, लेकिन हम गलतियां पे गलतियां, पाप पे पाप, गलतियां पे गलतियां, एक गलती किया और फिर क्या हुआ, इस दूसरे के पास चले गए, उससे गलती किया, फिर किसी तीसरे पास चले गए, उससे गलती किया, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप। बहुत लोग व्यभिचार करते हैं, जिस तरह परमेश्वर क्या कहते हैं वहां पे कि व्यभिचार मत करो। आज इनके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, फिर 2 साल बाद आप नए रख रहे हो, उनके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, फिर 2 साल बाद आप नए किसी लड़के के साथ रह रहे हो, फिर आप 1 साल बाद किसी नए लड़के के साथ रह रहे हो, फिर आप 6 महीने बाद किसी और नए लड़के के साथ रह रहे हो। आप अपने आप को तो साफ रखते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अपने आप को सुंदर दिखाते हो, अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि हमसे सुंदर कोई है नहीं, लेकिन अंदरूनी पाप का क्या करोगे जब आपका न्याय होगा, और जब आपके ऊपर, जब आप नर की आग में जलाए जाओगे, तब आपकी सुंदरता कहां जाएगी। परमेश्वर कह रहे हैं सबका न्याय होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं व्यभिचार में मत फंसो, व्यभिचार के अंदर मत जाओ, लेकिन आप फिर पाप पे पाप, पाप पे पाप और पाप पे पाप, फिर आपके ऊपर दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख और दुख के ऊपर दुख आते हैं। इसलिए इस वचन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि अगर आप पश्चाताप करते हो अपने पापों का, फिर भी मैंने एक बार पहले भी बताया था, कुछ लोग पश्चाताप करते हैं और महीने बाद फिर उनके अंदर सुंदरता जाग जाती है और फिर वह विचार में चले जाते हैं, 6 महीने अच्छे से रहते हैं फिर गलत काम में चले जाते हैं, धोखा देना, लूट करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, बहुत से ऐसे बातें जो आपके जीवन में होती है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रार्थना के बाद अपने घुटनों टेक के प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मेरे भूल चुको क्षमा करो मेरे पिता, मेरे पापा को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं पापी हूँ मेरे पिता, मेरे पाप क्षमा करो मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मेरे पाप मिटाए जाए मेरे पिता, मेरी गलती माफ की जाए मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मुझे ब्लेस्ड करो मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और ब्लेस्ड हो, पाप से बचे। पाप एक ऐसा है, दीमक की तरह है, कि लकड़ी ऐसे लगती है कि बहुत सुंदर है, क्या लकड़ी ऐसे लगती है कि बहुत सुंदर है, उस लकड़ी की आप जब ध्यान से देखोगे उसके ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे। अपने कहते हैं कुछ नहीं होता, छोटे छोटे डॉट ही हैं, कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी मैंने रविवार को जब चर्च में थे, मैंने वहां पर भी एक डंडा देखा, वो बहुत सुंदर डंडा था और काफी मजबूत भी लग रहा था, लेकिन उसको मैंने ध्यान से देखा उसके ऊपर छोटे 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 छेद थे। मतलब हम कहते हैं छोटे छोटे छेद कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो मैंने नीचे मारा उसके अंदर से क्या निकली, मिट्टी निकली। मिट्टी जो दीमक उसके अंदर चिपकी हुई है अंदर से उनको खोखला करती है। जो पाप आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप सही हो, आपको लगता है आप मजबूत हो, आप कह रहे हो मेरे साथ कुछ गलती नहीं हो रहा है, मैं पाप भी कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गलती नहीं हो रहा है, लेकिन आपके अंदर अंदर सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इसलिए परमेश्वर से डरें, परमेश्वर से प्यार रखें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।